should be second one one germinal. क्योंकि याद करो ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं जहां था जेंटल हीट करने पर ये CO2 छोड़ देता है. क्यों? क्योंकि इसके बीटा गामा पर अनसैचुरेशन होता है. तो दैट्स व्हाई वी कैन हैव सम मोर क्वेश्चंस लाइक अच्छा क्वेश्चन है C-OOH C-OOH एंड 1-COOH हियर. ये चार की रिंग है मेरे भाई. ठीक है चलिए अब देखना सब क्वेश्चन से मिलते जुलते उठाऊंगा मैं. फिलहाल मैं ये हटा रहा हूं जर्मिनल वाला. देखना अब मैं आपको सक्सिनिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं. सोचो मुझे बताओ सारे बताना सक्सिनिक एसिड में दो कार्बन पर एसिड लगे थे 1-2. मैंने ये क्वेश्चन दिया बताओ ये कर लोगे? मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट और मैं लिख कर दे सकता हूं कि आपके में भी आएगा. आपके में भी आएगा. बोल दिया तो बोल दिया. ये सेम क्वेश्चन तो आप इसे सर्टेनली हीट कर लोगे. कर लोगे हीट. आंसर भी बता दो भाई साहब क्या बनाओगे फिर. ये लिखा है ना सामने शर्मा क्यों रहे हो. ये बनाओगे मेरे भाई. सोचो मैंने बस इतना चेंज किया है. मैंने एक डबल लगाया तो मेरे भाई इधर भी एक डबल आ जाएगा. ये एसिड कौन सा है? नाम तो सुना ही होगा मैलेइक एसिड. कौन सा एसिड है? मैलेइक एसिड. तो ये क्या हो गया इसका एनहाइड्राइड. मैलेइक एनहाइड्राइड. क्या हो गया? मैलेइक एनहाइड्राइड. मतलब भाई बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ये हो गया आपका मैलेइक एनहाइड्राइड. ठीक है सुनते रहना मैलेइक एनहाइड्राइड. मेरे भाई इस तर्ज पर बहुत क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं. फिलहाल मैं इसे हटाता हूं. देखते रहिएगा. आईआईटी को ये बहुत पसंद है मैलेइक एनहाइड्राइड. वजह बताता हूं. आपने देखा कि इसमें दोनों एसिड जो है वो डबल बॉन्ड के इस तरफ है. इसे मैं सिस बोल सकता हूं. सिस मैलेइक एनहाइड्राइड अगर आप देखें तो एक साइक्लिक एनहाइड्राइड. मानते हो या नहीं? साइक्लिक एनहाइड्राइड. मेरे भाई अगर मैं आपको विसिनल एसिड ऐसे दे दूं C-OOH एंड C-OOH. क्लियर? इस एसिड का भी नाम होता है ट्रांस फ्यूमेरिक एसिड. क्या है मेरे भाई? फ्यूमेरिक एसिड. तो मेरे भाई देखने वाली बात यह है कि इफ यू आर हीटिंग इट तो ये एसिड अपोजिट ऐसे अपोजिट अपोजिट मुद्रा में है. तो मेरे भाई ये साइकिल नहीं बना सकते. पीछे वाला कह रहा है साइकिल नहीं बना सकते बाइक बना रिंग नहीं बना सकते तो दू ये रिंग. तो मेरे भाई ये बहुत पूछा जाता है. तो हम यहां साफ साफ अनाउंसमेंट कर दें नो साइक्लिक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन. नो साइक्लिक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन. मेरे भाई समझना बात को क्वेश्चन के जज्बात. जो ऐसे एंटी होंगे एंटी मतलब 180 अपोजिट 180 वो साइक्लिक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज द सेगमेंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट यही कॉन्सेप्ट. क्योंकि रिंग बनी नहीं सकती इतने स्ट्रेन के साथ रिंग नहीं बन सकती. एंड द सेम मैं 1-2 पर ही लेकर चल रहा हूं. स्टिल 1-2 सेगमेंट ध्यान से देखो. हाँ एक और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं. सारे लोग देखिए नाम बताओ. नाम पीछे वाला अपना नाम बता रहा है. अपना नाम नहीं बताना है कंपाउंड वाला का नाम बताना है. ये है आपका थैलिक एनहाइड्राइड. अरे सॉरी ये तो एसिड है भाई थैलिक एसिड. पीछे वाला कह रहा हमको तो पथैलिक दिख रहा है. पी है आगे बेटा. पी साइलेंट होता है जैसे आप साइलेंट रहते हैं वैसे थैलिक एसिड होता है. ठीक है तो मेरे भाई अपने को क्या लेना देना सेम साइड है ना. सेम साइड है ना. रिंग बना के छोड़ देंगे. अपने को क्या है? अपने को तो केवल जल निकालना है. अपने को केवल जल निकालना है. जल निकाल देते हैं. जल निकाल देते
ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बन गया? थैलिक एनहाइड्राइड। इसका नाम थैलिक एसिड से बना है, थैलिक एनहाइड्राइड। तो मैंने भाई बहुत इजी है, इस सारे सेगमेंट पर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। मैं हटा देता हूं, चलिए आइए एक काम करते हैं। ट्वेल्थ से रिलेटेड भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे यहां आपने साइक्लिक एनहाइड्राइड बना दिया, ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि एसिड जो है वो 1-2 पर लगा हुआ था, अगल बगल लगा हुआ था और एसिड एक तरफ थे। लेकिन इसी बात को ऐसे भी समझा जा सकता है, सारे लोग ध्यान से सुन जाना, अगर एसिड बेंजीन रिंग में, अगर एसिड 1-2 नहीं है, 1-2 नहीं है, ये 1-3, या मेरे भाई याद रखना मैं कह रहा हूं 1-2 नहीं है अगर, तो कभी भी साइक्लिक एनहाइड्राइड नहीं बना पाओगे। 1-3 में नहीं बनेगा, 1-4 में नहीं बनेगा, केवल 1-2 में बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये प्लेनर रिंग है और केवल 1-2 के केस में ही साइक्लाइजेशन मुमकिन है। जवाब, नो, साइक्लिक एनहाइड्राइड ऑप्टिम। समझो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। मेरे भाई ये दोनों का आंसर सेम। टॉकिंग अबाउट 15th, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। तो मेरे भाई अभी तक 1-2, 1-2, 1-2 चल रहा है। मैं आपको दे देता हूं अगला क्वेश्चन। लाइक सारे देखना, एक एसिड तो मैंने ऐसे दिया आपको, लेकिन एक कार्बन बढ़ा दिया। ये देखिए, इसे हिट करें 16। अब ये कौन सा हो गया? 1-2 एनहाइड्राइड बन रहा था। मैंने भाई आप देखें, यहां भी एनहाइड्राइड बन, बस एनहाइड्राइड का साइज बढ़ जाएगा। ये क्या था? 1-2 है, ये भी 1-2 है। यहां 5 का एनहाइड्राइड है, 6 का एनहाइड्राइड। तो कितना इजी है भाई साहब। अब मैंने क्या किया, मैंने दो कार्बन बढ़ा दिए। अब बताइए, 4 कार्बन वाला केस आ गया, इसके जस्ट पहले वाला 1-2-3-4, और 4 कार्बन पे 5 की रिंग का कीटोन बनता था, वो आपको यहां पर करना है। तो मैं हटा देता हूं बाकी चीजें। ओके, सो ये डायकार्बोक्सिलिक एसिड के सेगमेंट्स हैं जिन्हें आपको बहुत स्मार्टली और अच्छी तरीके से हैंडल करना होता है। आइए मैं ध्यान से देखिए क्वेश्चन। ओके, सो 16 क्वेश्चन हमने यहां पर किए। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इस टाइप के किए जा सकते हैं। लाइक एक दो क्वेश्चन और ले लो। जैसे मैंने आपको ये एसिड दिया COOH, ये ध्यान देना इस बार ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्साइल सिस्टम है। यहां पर H होगा, नीचे यहां पर भी H होगा, या हीटिंग इट। एंड मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा इस पार्ट पर भी कि अगर एक अप होता और एक डाउन होता तो आपके क्या विचार हैं इस पर, ये आप बताएं। ठीक है, 6 की। सो दिस इज ऑल अबाउट आर डायकार्बोक्सिलिक एसिड हीटिंग। इसमें एक चीज और आप थोड़ा सा ध्यान दें, यू कैन कीप दिस थिंग इन योर माइंड, नोट में ध्यान से समझें। जैसे ओम्स गैप मैंने बताया, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूट्रिक, एडिपिक, इसमें आप जरा ध्यान से देखें। जैसे मैंने लिखा ओम्स गैप, क्लियर, इसमें आप और देख सकते हैं एम से चालू हुआ था 1-1, 1-2, 1-3, 1-4। ठीक है, सो वी कैन राइट इट लाइक 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5। याद रखने का तरीका मींस मेलोनिक में दो एसिड के बीच में एक CH2 था, सक्सिनिक में दो COOH के बीच में दो CH2 थे, ग्लिटरिक में दो एसिड के बीच में तीन CH2 थे। एंड यू कैन मेंशन इट लाइक कि यहां CO2 निकला था, ध्यान से देखेंगे,
इट्स अ काइंड ऑफ ऐसे ही मस्ती कर रहे थे CO2. चलो बताओ, मुझे याद आ रहा है कि इसमें निकला था CO2, निकला था वाटर, वाटर निकला था नहीं, मेलोनिक में, मेलोनिक में CO2 निकला था, वाटर नहीं निकला था, सक्सीनिक मेलोनिक के जस्ट बाद वाला 1-2 वाला है, उसमें क्या निकला था CO2 नहीं, जल निकला था, ग्लिटरेट 5 की जगह 6 की रिंग हुई थी ना, CO2 नहीं निकला था, जल निकला था, उसके आगे CO2 भी निकला था और जल भी निकला था. सो ये चीजें अब यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एबीसीडी में चार एसिड डाल दूं और मैं बोल दूं बताओ कौन सा CO2 नहीं छोड़ेगा हीट करने पर, एक क्वेश्चन, दूसरा कौन सा CO2 भी छोड़ेगा और वाटर भी छोड़ेगा, तो बहुत आराम से यहां से क्वेश्चन बन सकता है. फर्स्ट में मैंने लिखा है CO2, आई होप ये आपको दिख रहा है, और सेकंड में है जल, है कि मानता नहीं. तो मैंने भाई वी जस्ट फिनिश्ड हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सो हटा देता हूं मैं इसे और हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को हीट करेंगे, महा इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार है अगला सेगमेंट, ध्यान दें, इसे हटाने जा रहा हूं, इसे हटा देंगे ठीक है, यहां से पक्का बेटा कुछ ना कुछ आए, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हटा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन कर लेना जो बीच में आंसर नहीं है डिस्कस कर लूंगा. Now, अब हम कौन सा फंक्शन ग्रुप लेकर आए भाई लोग, बताओ बताओ बताओ. अब मैं फंक्शन ग्रुप लाता हूं मजेदार, ध्यान से देखिए सारे लोग, इस बार चला कह रहा मोदी सरकार, अरे मोदी सरकार ने इस बार एसिड को फिर हीट करेंगे, कब से एसिड ही हीट हो रहा बेचारा, पहले में बीटा गामा पे अनसैचुरेशन वाला एसिड था, दूसरे में दो एसिड थे कम से कम, और इस बार हम एसिड को लाएंगे आपकी फेवरेट चीज के साथ, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, ओके महा इंपॉर्टेंट है, सारे देखें. सो दिस इज हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड, सारे लोग देखें, हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड मतलब एसिड भी है और उसमें OH भी लगा है, एसिड ग्रुप भी है और उसमें OH ग्रुप भी लगा. अब यार यही नहीं बताया तुम्हें कि OH कहां लगा है, तो OH जितने अलग अलग तरीके से लग सकता है उतने केसेस क्रिएट हो जाएंगे, बहुत मजेदार है, अगर आप 5 मिनट ध्यान से सुनेंगे तो कॉन्सेप्चुअली ये चीज आपके दिमाग में. मेरे भाई फर्स्ट, मैंने मान लिया कि जो एसिड है और अल्कोहल वो एक दूसरे के अल्फा पर मौजूद है, तो पहली कैटेगरी है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, सारे लोग देखें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, इसका मतलब सुनिए, जैसे देखिए ये एसिड ग्रुप है और ये जिस कार्बन पर है उसे मैंने अल्फा बोला, इसी पर OH, इसी पर क्या है OH, अल्फा पर हाइड्रोक्सी, अल्फा पर OH हो गया मेरे भाई, एक H और ये R, मैंने R ऐसे ही जनरल एल्काइल ग्रुप लगा लिया, चार वैलेंसी तो करनी थी ना भाई, एंड वी आर हीटिंग इट, वी आर हीटिंग इट अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, क्लियर. ऐसे ही मैं आपको और कैटेगरीज पहले बता देता हूं, सेकंड कैटेगरी इज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, क्लियर. इसमें क्या होगा, एसिड के बाजू वाले कार्बन पर OH नहीं होगा, उसके बाजू वाले पर होगा, तो मैं बना देता हूं R CH OH एंड दिस टाइम एसिड थोड़ा दूर है, देख ले, देखें बहुत इजी, बहुत आसान, आराम से समझा जा सकता है, ओके. तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, सिमिलरली आपको मिल सकता है गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, यही तो चलता है, गामा हाइड्रोक्सी एसिड. मैंने भाई आप खुद आंसर देंगे इसलिए ध्यान से सुनते रहें, फटाफट बोलोगे सर अब ये करा दो, अब ये करा दो. गामा हाइड्रोक्सी एसिड में क्या होगा, आर सी एच ओ एच, एक सी एच टू और आ जाएगा, एक सी एच टू और आ जाएगा. अच्छा अगले वाले को गेस करो, नेक्स्ट वाले,
अल्फा बीटा गामा डेल्टा डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड एक और सीएच टू मेरे भाई बस यही बचा था देखो एक और सीएच टू हम सीएच टू और एसिड कर देंगे हीट एक ने कहा जरा आखिरी वाला बता दो अगला है ओमेगा हाइड्रोक्सी एसिड ओमेगा हाइड्रोक्सी एसिड ठीक है तो मेरे भाई उसे थोड़ा अलग तरीके से देखो ये तो क्लियर है कि सी एच होगा सी एच पर आर होगा सबको दिख रहा है सी एच पर आर होगा सी एच पर ओ एच भी होगा सी एच पे सी एच टू एक दो तीन आ चुके हैं तो अगले में कितने होंगे चार होंगे और फिर एसिड होगा जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप आखिरी में हमने ऐसे लिख लिया था या हीटिंग एट इन कैटेगरी को हीट करना है ध्यान से दिमाग खोल कर देख भी लो सीख भी लो समझ भी लो आइए स्टार्ट कर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को अगर थोड़ा सा आप निहारे आइए मैं इसकी मैकेनिज्म से आपको समझाना चालू करते हैं सुनना क्या वैसा मैंने पहले कहा था कि यू आर हीटिंग एसिड यू आर हीटिंग एसिड तो मेरे भाई हम एसिडिक कंडीशन स्लाइट मान लेते हैं स्लाइट क्या मान लेते हैं एसिडिक कंडीशन और ये एसिडिक कंडीशन कहां कहां अटैक कर सकता है सारे लोग दिमाग से सोचो सारे लोग सोचो कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है ध्यान से देखिए ठीक है एच प्लस को यहां भी लोन पेयर में दिख रहा है यहां भी दिख रहा है यहां भी दिख रहा है यहां 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 तीन जगह लोन पेयर दिख रहा है मेरे भाई यहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो इसे खल्लास कर दो बचे दो यहां और यहां मेरे भाई यहां अगर एच प्लस गया यहां अगर एच प्लस गया तो बताइए वॉटर निकालेंगे आप एच टू ओ प्लस बनेगा वॉटर निकालोगे तो क्या तुम कार्बोनाइल के बगल में प्लस क्रिएट करना चाहते हो क्या तुम कार्बोनाइल के बगल में प्लस क्रिएट करना चाहते हो बोलो बोलो करना चाहते हो क्या नहीं 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 तो क्या आपको ऐसा समझ में आया कि ये एकमात्र साइट है जहां पर हमें एच प्लस अटैक कराना चाहिए तो एसिडिक कंडीशन में ये है आपका प्रोटोनेटेड फॉर्म अब सुनना मजेदार चीज तो अब आई ये प्रोटोनेट हो गया और ये ऑक्सीजन मुस्कुराने लगा बताओ क्यों मुस्कुरा रहा है सोचो 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 घरवाली साइट है घरवाली साइट ये इलेक्ट्रॉन देने की चाहत रख रहा है जैसे ही ऑक्सीजन इस कार्बन की तरफ बढ़ेगा ये कार्बन कहेगा खबरदार यू आर नॉट अलाउड बताओ ऐसा क्यों बोल रहा है ये कार्बन इसे अटैक करने से मना क्यों कर रहा है जस्ट थिंक क्योंकि अगर ये अटैक कर गया ये बनेगी तीन की रिंग तीन की रिंग जो कि फेवरेबल नहीं होगा आप देखिए हमने क्या देखा यहां जाएगा नहीं यहां जाएगा नहीं यहां गया तो इंटरनल साइट अटैक नहीं करेगी इंटरनल साइट केवल तभी अटैक कर सकती है जब पांच या छह की रिंग बन गई तो मेरे भाई फिलहाल तो मामला गड़बड़ है ये अटैक नहीं कर पाएगा ये ओएच कहता तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन है क्या दिक्कत है इसने कहा तुमसे इलेक्ट्रॉन लिया तो तीन की रिंग बनेगी इससे अच्छा तो मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन ना लूं ऑक्सीजन ने कहा देखिए तुम्हें इलेक्ट्रॉन देता कौन आई एम द ओनली साइट जो तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसने कहा एक मिनट ज्यादा उड़ो मत ध्यान से देखना इसने बोला सारे लोग देखो मजेदार चीज इसने बोला कि मैं पड़ोस वाले मॉलिक्यूल के ओएच से इलेक्ट्रॉन ले लूंगा ये देखो तो इसने भी कहा तो ठीक है तो मैं पड़ोस वाले ही कार्बोनाइल को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा डाइमर बना है मेरे भाई डाइमर और बनने वाली चीज को मन की आंखों से देखना पड़ेगा बनने वाली चीज को मन की आंखों से देखना पड़ेगा देखो मगर बोर्ड पर ठीक है मेरे भाई मैं बनाता हूं क्या बनेगा यहां से चल आर इसकी जगह ले लेता हूं इसकी जगह यूज कर लेता हूं आर सी एच ये सी एच ये ओ इससे जुड़ जाएगा
जगह नहीं है, क्या किया जाए। ये डेल्टा हाइड्रोक्सी इसे थोड़ी देर के लिए हटा देता, थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, बाद में ले आएंगे। मेरे भाई ये आर यहां से बना रहा हूं, आर सी एच, ओ इस कार्बन से जुड़ गया, ओ जुड़ा है कार्बन से, और नीचे ये कार्बन, इस कार्बन पर एक OH ये था और एक ये हो जाएगा, तो कितने OH हो गए, दो OH। सिमिलरली इस कार्बन पर भी दो OH हो जाएंगे, ये O पर एक H था और O ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऊपर प्लस आए, इस O ने इसे इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस O पर प्लस आए, और ये O किससे जुड़ा है, CH। ये देखो सारे लोग, आपको पता है एक कार्बन पर दो OH यूजुअली वाटर निकल जाता है, तो एक वाटर यहां से निकलेगा, एक वाटर यहां से निकलेगा, और यहां से ये H प्लस छोड़ देंगे। तो मेरे भाई क्या आप साफ साफ समझ रहे हैं कि ये दो मोल H3O प्लस छोड़ रहा है, वाटर यहां से H प्लस, यहां से H3O प्लस, वाटर यहां से H प्लस, यहां से H3O प्लस। सो मेरे भाई इसी के साथ यू जस्ट गेटिंग अ साइक्लिक रिंग, अ साइक्लिक रिंग। तो मैं उसका आंसर थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, या यहां लिख देता, जगह तो है अपने पास, ठीक है मैं लिख देता हूं यहां पर इसका आंसर लिख रहा हूं। सो सारे लोग लिखेंगे आर सी एच ओ डबल बॉन्ड ओ। तो भाई साहब हर जगह जगह की किल्लत, डबल बॉन्ड ओ सी एच आर, ये देखें ये आंसर, ये आंसर है मेरे भाई। इस आंसर की खूबसूरती अभी बताऊंगा, ये आंसर आ गया, छह की रिंग है ये देखें। और मेरे भाई अगर आर हाइड्रोजन नहीं है, अगर आर हाइड्रोजन नहीं है तो कुछ और होगा, तो ये सेंटर काइरल हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो मेरे भाई इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का बड़ा सुंदर क्वेश्चन बन जाता है, तो मैं बिल्कुल इसका बनाना चाहता हूं यहां पे। यार थोड़ा ये आ गया सामने, इसलिए मैं ऐसे कर देता हूं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी कॉपी में एकदम सीधा सीधा बनाना, टेढ़ा नहीं करना, एकदम सीधा सीधा बनाना भाई लोग। चलिए मैं आपको ये छह की रिंग यहां बनाकर दिखाता हूं, बड़े खूबसूरत अंदाज में। देखिए ये आर और ये आर, ये जीआई कर सकते हैं, सिस्ट्रांस भी हो सकते हैं, बहुत आराम से देखिएगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दो, ठीक है। तो यहां पर आया आपका आर, आर एच, यहां आया आपका एच आर। मैंने ट्रांस बनाया मित्रों, ट्रांस, क्लियर। लेकिन आपको पता है कि ये ट्रांस के साथ साथ सिस भी बनाएगा, बनाएगा या नहीं बनाएगा, बोलो यार, बोला करो भाई साहब, सिस आर एच आर एच। अब आप जरा ध्यान से देखो, हमने अभी सारे केस नहीं बनाए, लुक एट दिस वन। मेरे भाई इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है, यानी कि ये मीजो कंपाउंड हो गया। इसकी मिरर इमेज हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये अपनी मिरर इमेज के बराबर होगा। तो मैं यहां पर सारी बातें लिख रहा हूं, ये ट्रांस है, ये मीजो है, तो ये एक आंसर है हमारा। प्लस यहां पर ना पीओएस है ना सीओएस है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और मेरे भाई क्या आप समझ गए, आपको इसके साथ इसकी मिरर इमेज काउंट करनी पड़ेगी। तो अगर कोई ये पूछता है कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में आंसर कितना आया, तो लुक एट आर, आर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो आपके तीन आंसर आए, थ्री आंसर्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इस कैटेगरी का नाम है मेरे भाई लैक्टाइड, इस कैटेगरी का नाम है लैक्टाइड, कैटेगरी का नाम है लैक्टाइड, क्या है नाम, लैक्टाइड। सारे देखो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में तीन ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज डिस्कार्डेड क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है, यहां पर प्रोटोनेट करने का फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां से प्लस के बगल में प्लस आए, सो डाइमराइजेशन, ठीक है। आप देखना आगे के सारे एसिड
चुटकियों में आप हीट करोगे कैसे। चलो सारे लोग बात करते हैं बीटा हाइड्रोक्सीसिक्स, थिंक प्रॉपरली, यहां तो एच प्लस नहीं गया होगा क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है। ओके, मेरे भाई डाइमर नहीं बना होगा क्योंकि अगर पहले 6 की रिंग बन चुकी है तो बीटा वाले में 8 की रिंग आएगी, ये डिस्कार्ड हो गया। तीसरा, इंटरनल अटैक नहीं हुआ होगा क्योंकि अगर पहले 3 की रिंग बनना चाह रही थी तो 4 की बन रही होगी। एक ही केस बचा है कि जब एच प्लस यहां अटैक है इस जगह पर, अब आप कहोगे अब प्लस के बगल में प्लस नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये दूर हो गया, एसिड दूर है, एसिड यहां है, ओएच है। तो मेरे भाई इट्स अ सिंपल डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड योर आंसर वुड बी व्हाट, अ डबल बॉन्ड अल्फा बीटा, वाटर निकल जाएगा, वो एच प्लस जाएगा, वाटर निकालेगा, प्लस आएगा, एच हटेगा, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। लुक एट बोर्ड, ये आंसर है इसका, बीटा हाइड्रोक्सीज। मेरे भाई कोई भी केस ट्राई करो, बनने ही नहीं, इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं। कैसे? यू कांट गो फॉर डाइमराइजेशन, 8 की रिंग आएगी, 1। यू कांट गो फॉर इंटरनल अटैक, 4 की रिंग आएगी। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज टू डिहाइड्रेट दैट OH। नाउ थिंक अबाउट द नेक्स्ट वन, गामा हाइड्रोक्सीज। गामा में डाइमर जा रहे, 10 की रिंग कौन बनाएगा, 10 की रिंग कौन बनाएगा। नाउ थिंक अबाउट, एक निकाल वॉटर, निकाल लो वॉटर, निकाल दो, नहीं नहीं नहीं, ये वॉटर यहां निकला, लॉजिक है, ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है एसिड, ये डबल बॉन्ड एसिड के कंजुगेशन में, उधर कंजुगेशन में नहीं आएगा, लेकिन यहां OH इंटरनली अटैक कर सकता है क्योंकि इससे 5 की रिंग आएगी, 3 डिस्कार्डेड, 4 डिस्कार्डेड। क्या मेरे भाई आपको सच बताओ समझ में आया या नहीं? यहां ये OH ये प्रोटोनेट होगा, ये अटैक कर, 5 की रिंग का ईस्टर बनेगा, 5 की रिंग का ईस्टर बनेगा, सारे सुन लो, 5 की रिंग का ईस्टर बनेगा, या हीटिंग इट एंड योर आंसर वुड बी आर ओ डबल, 5 की रिंग पूरी मैकेनिज्म आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसकी कैटेगरी को क्या बोलते हैं, लैक्टोन, क्या बोलते हैं, साइक्लिक ईस्टर को लैक्टोन बोला जाता है, साइक्लिक ईस्टर को लैक्टोन बोला जाता है, दिस इज योर लैक्टोन। अगर गेस करो 5 का लैक्टोन और ये गामा हाइड्रोक्सीज है, तो अल्फा बीटा गामा की बात आता है, डेल्टा में क्या आया होगा? गेस गेस गेस, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो मेरे भाई जगह नहीं दिख रही है, यहां अगर मैं आपको दे दूं, दैट इज योर फोर्थ पॉइंट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा हाइड्रोक्सीज, अरे अभी लिख लेंगे आपको, ये समझ लो बात, ये बहुत इजी और इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आपने लिख ली, आपने देख ली, तो मैं मैकेनिज्म हटा देता हूं क्योंकि तो मैकेनिज्म तो आप देख ही चुके हैं, तो आप फिर मैं वहां पर गामा के बाद डेल्टा ले आता हूं, ठीक है, हटा रहा हूं इसे। अरे रिएक्शन मैकेनिज्म तो हो ही गई ना, आप तो लिख ही लीजिएगा, देख के, हाँ आइए, थोड़ा खुला खुला लग रहा है मेरे भाई, गामा हाइड्रोक्सी एसिड में बनी है 5 के विदाउट डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड में क्या हुआ, आर सी एच ओ एच, यहां 2 सी एच टू है, वहां पर 3 सी एच टू होंगे, 3 सी एच टू, और जब आप हीट करिएगा तो 6 का लैक्टोन बन जाएगा, 6 का लैक्टोन, लो एंजॉय करो, 6 का लैक्टोन बन जाएगा। नाउ योर क्वेश्चन इज, इधर क्या होगा, 7 का तो नहीं बनेगा मेरे भाई, फिर वही पुरानी कहानी याद आई, एक मॉलिक्यूल उसके बाद में दूसरा मॉलिक्यूल, उसके बाद में तीसरा मॉलिक्यूल एंड सो ऑन, पॉलीमराइजेशन। अब एक तरफ एल्कोहल है, एक तरफ एसिड है, तो मेरे भाई बताओ एसिड के सामने एल्कोहल आएगा, एल्कोहल के सामने एसिड आएगा एंड सो ऑन, ये कंडेंस करोगे तो एल्कोहल और एसिड कंडेंस होकर क्या देते, ईस्टर ही देते हो, तुम जैसे ईस्टर ही दे दो, सो इट वुड बी अ पॉलीमर। मैं इसका आंसर लिख देता हूं,
ऑन हीटिंग इट वी वुड गेट, आगे चाहे आप चार सीएस टू हो, पांच हो, छह हो, सौ हो, दो सौ, योर प्रोडक्ट कैटेगरी वुड बी सी एच आर सी एच टू होल फोर एंड इट वुड बी ईस्टर COO, ठीक है, एंड ये रिपीट होगा, ये रिपीटिंग यूनिट होगी, सो दिस इज अ पॉलीमर और यही सेगमेंट चलता रहेगा ऐसे ही। तो मेरे भाई बहुत क्लियर है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी, आपको क्वेश्चन में मिले हुए एसिड की कैटेगरी को देखना होगा कि वो अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा, ओमेगा, और उसके बाद खटाखट मेरे भाई बहुत लॉजिकल है वाई यहां डाइमर बना, क्योंकि यहां डाइमर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, यहां पर डबल बॉन्ड की वाई क्योंकि यहां डबल बॉन्ड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, आप ट्राई करिए भैया, डाइमर आठ की रिंग तो नहीं बनाएंगे, सुन लो ना, चार की रिंग बनाएंगे, पांच छह की बन रही होती तो बना लेते, जैसे पांच छह की बन रही थी तो बना लिया, समझ में आया, बहुत लॉजिकल है। तो मेरे भाई पांच क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ गए, अब मजेदार चीज है, मैं इसमें कुछ क्वेश्चन भी दूंगा आपको, लेकिन वो क्वेश्चन देने से पहले एक और चीज पर आते हैं, कितने क्वेश्चन हैं, पांच हो गए ना, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, पांच क्वेश्चन, जगह नहीं दिख रही है, इसमें आ जाएंगे क्वेश्चन, अपने को क्या दिक्कत है, यहां कर लेते क्वेश्चन, सारे लोग देखिएगा, लुक एट फाइव के बाद जो क्वेश्चन करने हैं आपको, एक दो क्वेश्चन आप करके लाइएगा, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, लाइक लैक्टिक एसिड जानते हैं आप लोग, लैक्टिक एसिड ये सी एस थ्री, ठीक है, बताओ सी एस, ये सी डबल ओ एच, एच ओ एच सी एस थ्री, बताओ कौन सी कैटेगरी का एसिड है, कौन सी कैटेगरी का एसिड है, देखो, अरे भाई कौन सी कैटेगरी का एसिड है, अल्फा ही है, अल्फा ऊपर ही आर को बस मिथाइल लिख दिया मेरे भाई, ये फिसर प्रोजेक्शन, इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, सोच समझ के करना, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। एक क्वेश्चन और देता हूं, लुक एट दिस, ये आपके पास है OH और ये है आपके पास COOH, हीट करेंगे इसे, आप कैटेगरी खुद ब खुद देख लेना कौन सी है, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया सेवेंथ, एक क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन और ले लो, आप भी क्या याद करोगे, कर लेंगे ओके। मेरे भाई ये हाइड्रोक्सी एसिड को हमने अभी अभी हीट किया है, ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो कि महा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पूरा का पूरा हीटिंग